कि आप सभी को अपनी ड्रॉइंग शीट जो होगी आप सभी की उसको किस तरीके से सेट करना है। हमने यहाँ पे लिख रखा कि सबसे पहले आपको बाउंड्रीज बनानी होती है, इनकी बाउंड्री का डायमेंशन क्या होना चाहिए। स्केल में आपका 1.5 होगा, तो 1.5 से यहाँ पे नीचे की तरफ लाइए और फाइनली इस तरीके से आप आदर्श गुप्ता। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटिंग ऑफ ड्राइंग शीट के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी को ड्राइंग शीट को किस तरीके से ड्राइंग टेबल के ऊपर सेट करना होगा, और सेट करने के बाद वहां पे आपको कौन कौन से प्रोसीजर करने है। जैसे आपको पता है कि अगर आप किसी भी पिक्चर को बनाते हो या फिर आप किसी भी ड्रॉइंग को बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक बाउंड्री लगानी होती है। तो फाइनली इसमें आपको क्या करना होगा, जब भी आप ड्रॉइंग को शीट पे बनाओगे तो उससे पहले आप सभी को एक बाउंड्री लगानी होगी। तो उसके अंदर बाउंड्री लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो चारों तरफ से बाउंड्री लगाओगे एंड देन बाउंडिंग फिनिश करने के बाद आपको क्या करना होगा, कॉर्नर में इनके जो आपका कॉर्नर है, कॉर्नर की तरफ आपको अपना नेम डालना होगा और रोल नंबर वगैरह सारी चीजें लिखनी होगी। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि सारी चीजें हम आपको बताएंगे और आपको डायमेंशन भी बताएंगे। इनका कुछ डायमेंशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कितनी भी बाउंड्री बना दोगे या फिर नेमिंग जब आप करोगे तो कैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल प्रोसीजर होता है और आपको डायमेंशन वगैरह पता होनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं, चाहे आपके पास इंजीनियरिंग ड्रॉइंग हो या फिर ग्राफिक्स हो, दोनों एक ही सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट का मतलब एक ही होता है। एंड स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, टूल्स के ऊपर भी वीडियोस बना रखा है कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप सभी के पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो ड्राफ्टर हो गया, होल्डर हो गया। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर इस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से टूल्स वगैरह की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद हम सारी चीजें आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बोल लो या फिर ग्राफिक्स बोल, तो बात एक ही, दोनों सब्जेक्ट एक ही होते हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसको सेटिंग करना है, सेटिंग ऑफ ड्राइंग शीट यानी कि ड्राइंग शीट को किस तरीके से आपको सेट आउट करना होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा। हमने यहां पे लिख रखा है कि सबसे पहले आपको बाउंड्रीज बनानी होती है, इनकी बाउंड्री का डायमेंशन क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सीट है इस तरीके से, अब इस सीट में आपको यहां पे बाउंड्रीज बनानी होगी, यानी कि इस कॉर्नर से इस तरीके से गैपिंग करके इस तरीके से बाउंड्रीज बनानी होगी। अब इस बाउंड्री की गैपिंग कितनी रखनी है इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे सीट पे, इनके हम आपको सीट पे लगा के बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि यहाँ पे आपको कितना ये साइज रखना है, राइट। ये हो गया आपकी बाउंड्री की बात, तो सबसे पहला चीज तो यही होता है। एंड देन स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ टाइटल बॉक्स, यानी कि आपको टाइटल बॉक्स लगाना आना चाहिए। टाइटल बॉक्स में क्या होता है कि टाइटल बॉक्स में आप अपनी सारी चीजें लिखोगे, नेम, रोल नंबर और अपना सीट नंबर, ये सारी चीजें लिखोगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि टाइटल बॉक्स का आपको साइज वगैरह क्या रखना है, यानी कि टाइटल बॉक्स बनाओगे तो ऐसे थोड़ी ना कोई स्टूडेंट इस तरीके से बनाते छोटा सा या फिर कोई यहां तक बना दे रहा है, तो ये गलत है। आप सभी का यहाँ पे एक डायमेंशन होता है, तो इसके हम डायमेंशन की बात करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एंड देन स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइटल बॉक्स होगा इसके अंदर हम क्या क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले तो मेंशन करेंगे आपका नेम, फिर आपका होगा रोल नंबर, एंड देन आपका क्या होगा सीट नंबर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे देखा है कॉलेज का नेम, एंड देन यहाँ पे देख सकते हो तो ब्रांच और सेमेस्टर आप डालोगे, और यहाँ पे लिख रखा है टाइटल बॉक्स यानी कि टाइटल के बारे में लिखोगे, यानी कि जो भी आपका टॉपिक होगा ना, जो सीट का टाइटल होगा उसके बारे में लिखोगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सीट नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ना कौन सी सीट है। जैसे कॉलेजेस में 10 सीट बनवाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे अगर सीट नंबर नहीं डालोगे तो इस तरीके से आपको डालना है सीट नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपको वहाँ पे पुट आउट करना होगा। तो ये चीज आपको क्लियर है। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही होगा कि मैं अभी आपको सीट पर बताता हूँ, इनकी सीट को यहाँ पे मैं लगाऊंगा आपको बोर्ड पर, और उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये गैपिंग रखनी है, बाउंड्री कितनी रखनी है और इसके साइज क्या रखना है आपको, यानी कि टाइटल बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम चलते हैं और मैं पहले आपको सीट लगाता हूं, फिर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट फाइनली देखिए, हमने इस तरीके से अपनी सीट को यहाँ पे सेट आउट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो इसी तरीके से आपका बोर्ड होगा, इनकी ड्रॉइंग सीट होगी आपकी, यानी कि ड्रॉइंग सीट आपकी, और यहाँ पे आपका ड्रॉइंग बोर्ड दिया जाएगा आपको। इस तरीके से बोर्ड नहीं होगा आपका, इस तरीके से जैसे आपकी डेस्क होती है इस तरीके से आपके पास बोर्ड होगा, उसके ऊपर आपको सीट को लगाना है। उस सीट को लगाने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे पिन कर लो, इस तरीके से सीट को पिन कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलो टेप का यूज किया, आप सेलो टेप का भी यूज कर सकते हो, इसको फाइनली इस तरीके से आप यहाँ पे लगा लोगे। एंड देन स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये आपका ड्राफ्ट है, आपको पता है कि मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रखा है इसका यूज वगैरह कैसे करना है, और अपने वीडियो नहीं देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लेना। इसका क्या मतलब है आपका, इससे ही आप ड्रॉ करोगे, सारी लाइन, ये सारी लाइन आपको दिख रही है, इससे ही ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए बाउंड्री क्या है, जैसे कि आपको पता है कि आप किसी भी पिक्चर को बनाते हो, यानी कि किसी भी अगर आप ड्रॉइंग को बनाते हो तो आप उसके बाहर बाहर क्या लगाते हो, बाउंड्रीज लगाते हो। तो हमारी देख सकते हो बाहर की तरफ इस तरीके से हमारी बाउंड्री लगी है। अब मेन दिक्कत यह कि बाउंड्री कितनी थिकनेस होनी चाहिए इसके, इनके इसके साइज क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें डायमेंशन क्या होना चाहिए इसका, तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो मैं अभी आपको बता दूंगा डायमेंशन कितना होना चाहिए। और ये आपका है पूरा टाइटल बॉक्स, ये टाइटल बॉक्स का मैं बताता हूं डायमेंशन कितना रखना है, इसकी लेंथ कितनी रखनी है और ब्रेथ कितनी रखनी है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम बात करें कि आपकी ये कितना, इसकी साइज जो है आपकी, इसकी साइज होनी चाहिए 2 1.5 से 2
सेंटीमीटर यानी कि आपकी साइज होनी चाहिए, इसके बीच में आप रख सकते हो। मैं रेफर करूंगा आप 1.5 रखिएगा, 1.5 आपका इनफ है, सही है राइट। ये चीज आपको क्लियर है। और ये चीज आपको ध्यान रखना कि ये जो आप बनाओगे ना इसको इसी से बनाना है, जैसे 1.5 की आपको यहाँ पे थिकनेस रखनी है तो आप क्या करो इसको ना बिल्कुल देखो इसको नाप लो इससे, जैसे यहाँ पे बिल्कुल पैरेलली नाप लो, जैसे सीट है ऐसे आपने नाप लिया, ऐसे देख लीजिए बिल्कुल पैरेलली इसके पैरेलली आप नाप लीजिए। अब आपको क्या करना है यहां से 1.5 जैसे इस स्केल में आपका 1.5 होगा तो 1.5 से यहाँ पे नीचे की तरफ ले आइए और फाइनली इस तरीके से आपको यहाँ पे स्केल से इस तरीके से ड्रॉ करते हुए चलते चले जाने, तो फाइनली इसको ड्रॉ कर लोगे, यहाँ भी आप ड्रॉ कर लोगे और यहाँ भी आप इसी तरीके से इसका यूज करते हुए ड्रॉ कर लोगे। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से बाउंड्रीज बना लोगे, बाउंड्रीज की थिकनेस 1.5 रखना, 1.5 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर के आप आसपास रख सकते हो सही जाएगा, लेकिन 1.5 रेफर करता हूं मैं आपको। एंड देन ये देख लीजिए हमारे टाइटल बॉक्सेस, टाइटल बॉक्स में आपको क्या करना है टाइटल नेम, जैसे आपका जो भी आप फिगर बनाओगे तो उसका कोई ना कोई टाइटल तो होगा ना, तो टाइटल का नेम भी डालना है, नेम डालना है, रोल नंबर डालना है आपको, ब्रांच सेमेस्टर, उसके बाद डालोगे सीट नंबर, फिर आपका होगा स्केल या फिर आरएफ आप यहां पे लिखोगे। आरएफ में आपको बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में स्केल क्या होता है आरएफ क्या होता है। एंड देन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो साइज है आपकी, सबसे पहले जो लंबाई है आपको रखनी है 18.5, तो हमने रखा 18.5 सेंटीमीटर, और आपको ये ध्यान रखना है ये कितना रखना है आपको 6.5 यानी कि यहां से यहां तक की जो डायमेंशन होगी वो 6.5 होगी सेंटीमीटर, और यहां से पूरा यहां तक ये जो आपकी लेंथ है इसकी लेंथ कितनी रखनी है आपको 18.5 सेंटीमीटर। तो ये फाइंड आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपकी डायमेंशन होनी चाहिए। मैं आपको थिकनेस बता दिया और ये इसकी डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है, और इसके अंदर आपको टाइटल नेम रोल नंबर यहाँ पे ब्रांच और सेमेस्टर, यहाँ पे आप सीट नंबर लिखोगे और यहाँ पे स्केल लिखोगे। स्केल के बारे में और भी बातें करेंगे जब हमारी आगे आने वाली और भी वीडियो जब होगी ना, उसके अंदर मैं और भी आपको सही तरीके से बताऊंगा कि आरएफ का क्या मतलब होता है, स्केल का क्या मतलब होता है, और यहाँ पे सीट नंबर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है बहुत सारी आप सीटें बनाओगे, कुल मिला के आप 15 से 20 सीटें बना सकते हो या फिर मुश्किल से मुश्किल आप 10 बनाओगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 10 सीटें बनाओगे, है ना, 10 सीटें बनाओगे। तो 10 सीटों में से आपको क्या करना होगा, यहां पे आप नाम लिख दोगे पहली सीट दूसरी सीट इस तरीके से, फिर आएगा आपका ब्रांच और सेमेस्टर, जो भी आपका ब्रांच है और सेमेस्टर है वो लिख दोगे। एंड देन स्टूडेंट यहां पे आपका रोल नंबर है और यहां पे आपका नेम और यहां पे आपका टाइटल 110% लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नहीं लिखते हो तो फाइनली अगर ये लॉस्ट यानी कि आपका खो भी सकता है ये, और कोई यहां पे अपना नाम वगैरह मिटा भी सकता है, तो बिल्कुल ये लिखना जरूरी है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ राइट, तो मैंने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया इसकी डायमेंशन जो है बाउंड्री की 1.5 सेंटीमीटर रखनी है, और इसकी साइज जो है यानी कि जो आपका टाइटल बॉक्स होगा इसकी साइज रखनी है 18.5 सेंटीमीटर से 6.5 सेंटीमीटर। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज को चेंज करें लेकिन नहीं होता, हमारे में इतना ही था, हमने आपको इतना बताया ठीक है। ये चीज में हमने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज को 1 सेंटीमीटर भी रखती है, बाकी आपकी मर्जी आप पूछ लीजिएगा। तो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया जितना मुझे पता था और मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैंने आपको बता रखा है कि आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी यानी कि टूल्स के बारे में बता रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे अपना स्केल टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ स्केल क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। और यहां पे एक जो टर्म हमने यूज किया आरएफ, आरएफ का क्या मतलब होता है आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।